नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राइवेट पार्ट से स्मेल आने का, गंदी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको आपके प्राइवेट पार्ट से बदबू आ रही है, अभी वो फीमेल का भी हो सकता है, मेल का भी हो सकता है। फीमेल का जब होता है तो उनको वजाइनल डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से आ सकता है, या फिर वहाँ कुछ इन्फेक्शन है। वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन है, मतलब वाइट डिस्चार्ज उसको बोलते हैं, और वाइट डिस्चार्ज से उसको उनको बदबू आती है। हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन है, दूसरा कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसे भी बदबू आ सकती है, या फिर पसीने से बदबू आती है, पसीना भी आता है तो ये नेचुरल ऑर्डर भी आ सकती है जो नेचुरल है। नेचुरल का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये जो बाकी गंदी बांस आती है या बदबू आ रही है तो डेफिनेटली वो अनकम्फर्टेबल हो सकती है। आप घर में हो या और कहीं जाती है आती है तो कोई पास में बैठा हो तो उसको भी गंदी स्मेल आ सकती है, या आप कपड़े निकाल के रखते हैं, स्नान करने जाते हैं तो आपके कपड़ों को भी गंदी स्मेल आ सकती है। वैसे पुरुष लोगों का है कि पुरुष लोगों को यदि गंदी बांस आती है, स्मेल आती है, तो डेफिनेटली क्या होता है कि उनको स्किन के अंदर, सामने वाला जो स्किन है उसके अंदर स्मेग्मा जमा होता है, सिक्रीशंस जो होते हैं ना वो वहाँ जमा होते हैं, वो कड़क हो जाते हैं, वाइटिश रहते हैं, और ऐसे जैसे क्रिस्टल्स रहते हैं वैसे वो रहते हैं। तो वो जो स्मेग्मा है जो स्किन के नीचे रहता है उसके वजह से बदबू आ सकती है, या फिर जांग में बदबू आ सकती है, वहाँ पसीना आ रहा है, या फिर कोई वीर्य बाहर निकल रहा है बीच बीच में। हो सकता है कि वो आप किसी को देख ले, कोई सेक्स के विचार आए, और फिर प्रीकम बाहर निकल सकता है, थोड़ा सा वीर्य बाहर निकल सकता है, और उससे भी फिर बाद में कुछ समय के बाद में बदबू आ सकती है। आपके कांख में, जांग में, वहाँ पसीने से बदबू आ सकती है, तो वो लोगों को अच्छी लगती नहीं है। अब इसके लिए यदि आपको इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली आपने दवा लेना चाहिए। लोकल दवा ले सकते हैं, लोकल दवा रख सकते हैं फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स, और लोकल दवा रख के वहाँ इन्फेक्शन का इलाज हो सकता है। इन्फ्लेमेशन है, सूजन आई हुई है, तो उसकी भी दवा ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपने प्राइवेट पार्ट धोना है, सवेरे एक बार, शाम को एक बार, स्पेशली स्नान करने के समय, और स्पेशली जब सेक्स करते हैं उसके पहले। तो क्या होगा, वो जो बांस आती है, स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, वो आएंगे नहीं, और उसके वजह से कभी कभी पार्टनर ना बोलता है, तो वो ना बोलेगा नहीं। क्या होता है कि पार्टनर ना बोलता नहीं, ना बोलता है और कारण बताता नहीं कि क्यों ना बोल रहा है। कारण बताएंगे तो जल्दी उसका इलाज होगा, मगर कारण बताएंगे नहीं। तो अब ये पार्ट जो है वो टेक केयर करेंगे, भाई मुझे मेरे हिस्से से, मेरे बॉडी से बदबू नहीं आना चाहिए, स्मेल अच्छा आना चाहिए सेक्स करने के समय। तो स्नान करना, बॉडी स्प्रे मारना और साफ सफाई करना वो जरूरी है। बाल निकालना भी जरूरी है, क्योंकि बाल निकलते हैं तो वहाँ पसीना आता है, वहीं जमा हो जाता है, और वहाँ से भी बहुत बदबू आती रहती है। तो ये काम आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, एक इंटीमेट रिलेशनशिप होंगी और आपका पार्टनर आपको टालेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।